हेयर लॉस सुनने में कितना छोटा शब्द लगता है, पर यह हेयर लॉस जब एक टीनेज लड़के को होता है तो उसकी पूरी दुनिया हिल जाती है। सेल्फ डाउट होने लगता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाता है। हाय, माय नेम इज़ मोहित। मैं इस चैनल पे मेंस ग्रूमिंग, मेंस फैशन से रिलेटेड बात करता हूँ। तो अगर आप भी इसमें इंटरेस्ट रखते हो तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप और मैं मिलकर कम्युनिटी बिल्ड कर सकें। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेयर लॉस से रिलेटेड सारी चीज़ों की, इसके कॉजेज क्या हैं, इससे रिलेटेड मिथ्स क्या हैं, एंड फाइनली क्या वो सॉल्यूशंस हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, एंड आपको कौन से सॉल्यूशन के साथ जाना चाहिए। तो चलो शुरुआत करते हैं कॉजेज से, वो क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल होता है। स्कैल्प एलर्जी, हमारी स्कैल्प पर कई तरह की एलर्जीज हो जाती हैं। हमने कोई हेयर प्रोडक्ट लगाया जो हमारी स्कैल्प के लिए सूटेबल नहीं था, उससे हमें एलर्जीज डेवलप हो सकती हैं, और इन एलर्जीज को अगर टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिला तो वो हेयर लॉस का मेजर रीज़न बन जाती है। उसी के साथ साथ मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप कम से कम हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ करो, पर अगर आप कोई हेयर प्रोडक्ट्स लगा के किसी पार्टी में जाते हो तो उस पार्टी से वापस आने के बाद क्विकली उन हेयर प्रोडक्ट्स को रिमूव कर लो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो वो आपके हेयर फॉलिकल्स को ब्लॉक रखेगा, जिससे आपके बाल ब्रीथ नहीं कर पाएंगे और वो लॉन्ग टर्म में आपके हेयर फॉल का रीज़न बनते हैं। ओके, चलो हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे, जो कि है बैड लाइफस्टाइल। अब इस चीज़ को मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से मेजरली इररेगुलर स्लीप पैटर्न्स और जंक फूड हमारी हेयर हेल्थ के लिए नेगेटिव होते हैं। तो इसको फिक्स करने के लिए कोशिश कीजिए कि आप मिनिमम 8 hours ऑफ स्लीप ले रहे हैं। उसी के साथ साथ घर का खाना खाने की ज़्यादा कोशिश कीजिए, जंक फूड को अवॉइड कीजिए। चलो हम चलते हैं अपने अगले कॉज पे, जो कि है DHT हार्मोन। DHT हार्मोन्स होते हैं डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। ये आपके मैनली फीचर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपकी आवाज़ कितनी भारी है, आपकी बॉडी पे कितना मसल मास है, आपके बॉडी पे कितने बाल हैं, इन सब के पीछे DHT हार्मोन्स होते हैं। अगर ये हार्मोन्स एक लेवल से ज़्यादा हो जाएं, तो ये आपके हेयर लॉस का रीज़न बन जाते हैं। ऐसा ना हो इसलिए आपको रेगुलर वर्कआउट्स रखना है अपने लाइफ में, और उसी के साथ साथ जंक फूड को अवॉइड करना है। ओके, चलो हम चलते हैं अपने अगले रीज़न पे, जो कि है जेनेटिक्स। अब ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन्स होता है हेयर फॉल का। रियल लाइफ में अगर बात की जाए तो सिर्फ हेयर से रिलेटेड चीज़ें ही नहीं, आपकी हाइट, आपके फीचर्स, बहुत कुछ डिपेंड करते हैं आपके जेनेटिक्स पे। जेनेटिक्स हेयर फॉल का एक मेजर कॉज होते हैं, पर क्या आप सिर्फ अपने जेनेटिक्स अपने फादर से ड्राइव करते हैं? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये डिपेंड करता है AR पे, एड्रोजन रिसेप्टर्स पर। इसमें से आप 30% अपने मैटरनल साइड से लेते हैं, अपने मामा से, अपने नाना से, इन सब से। 30% आप अपने फादर साइड से लेते हैं, अपने चाचा से, ताऊ से, और बाकी का 30% आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है, आप उसे कितना हेल्दी मेंटेन करते हैं। तो चलो अब बात कर लेते हैं हेयर फॉल से रिलेटेड कुछ मिथ्स की। मिथ नंबर 1, हेड शेविंग। मुझसे कमेंट सेक्शन में बहुत बहुत लड़के पूछते हैं कि अगर हम अपने हेड को शेव कर लेंगे, हम गंजे हो जाएंगे, तो उससे क्या हमारा हेयर फॉल रुक जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जब भी अपने बालों का डायग्राम देखते हो, एक हेयर फॉलिकल का डायग्राम देखते हो, तो उसमें जो फर्स्ट नीचे वाला हाफ होता है वो हमेशा ज़्यादा मोटा होता है अपर हाफ से। इसका रीज़न यही होता है कि आपका बाल जब नया नया ग्रो होना शुरू होता है, इसलिए आपको मोटा फील होता है। बट इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं होता है, वो बस उसका नीचे वाला हाफ है। मिथ नंबर 2, क्या ऑयलिंग से हमारा हेयर लॉस रुक जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑयलिंग आपके बालों के लिए खाना है, और हेयर लॉस के लिए आपको चाहिए डॉक्टर। तो आपका खाना आपका डॉक्टर नहीं बन सकता। आप सिर्फ ऑयलिंग कीजिए अपने बालों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, पर अगर आप हफ्ते के 7 के 7 दिन अपने बालों में तेल लगा के रखते हो और सोचते हो कि इससे आपका हेयर फॉल रुक जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। इससे सिर्फ आपके बालों के पोर्स ब्लॉक होंगे, जो आपके बालों को ब्रीथ करने से रोकेंगे, और आपका हेयर फॉल इनफैक्ट और बढ़ जाएगा। मिथ नंबर 3, क्या वे प्रोटीन खाने से हेयर लॉस होता है? तो इसका जवाब है नहीं। हमारे बाल बने होते हैं प्रोटीन से, तो कोई प्रोटीन से बनी हुई चीज़ कैसे नेगेटिवली अफेक्ट हो सकती है प्रोटीन से? इनफैक्ट कहा जाता है कि हमें हाई प्रोटीन रिच डाइट खानी चाहिए, जिससे हमारी ओवरऑल हेयर हेल्थ अच्छी रहे। चलो अब बात कर लेते हैं इन सारे हेयर लॉस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस क्या है। स्टार्टिंग ऑफ विद द बेसिक्स,
आपको हमेशा अपना वाटर इनटेक हाई रखना है और हाई प्रोटीन रिच डाइट्स खानी है। आपको अपनी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को सबसे पहले पूरा करना है। पॉइंट नंबर 2, हेयर केयर रूटीन। आपको अपने बालों में ऑयलिंग करनी है और ऑयलिंग करने के बाद उन्हें धोना है और उसके बाद उनमें कंडीशनिंग करनी है। अब इसे हफ्ते में कितने बार करना है वो डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर, आपका डर्ट एंड पॉल्यूशन में कितना ज़्यादा एक्सपोजर है, आप कितना धूल मिट्टी में रहते हो। उसी के साथ साथ आपको हर संडे अपने बालों में एक हेयर मास्क लगाना है, डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या दिक्कत आ रही है, क्या आपके बाल रफ हो रहे हैं, क्या आपको डैंड्रफ ज़्यादा है। मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, लिंक आपको आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट सॉल्यूशंस की। नंबर 1 पे है हेयर ट्रांसप्लांट। इस मेथड में आपके जहाँ पे बाल हैं वहाँ से आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और जहाँ पे आप कंजे हो चुके हो वहाँ पे इन हेयर फॉलिकल्स को डाला जाता है ताकि वो रीग्रोथ को प्रमोट करें। नंबर 2 पे आता है मिनोक्सिडिल। अब ये एक लिक्विड या फोम टाइप का होता है और इसे आपको अपने स्कैल्प पे मसाज करना होता है। आपको इससे रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे पर आपको इसके अंदर मिनिमम 6 मंथ्स तो इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, उससे जल्दी ये रिजल्ट्स शो नहीं करता है। हमारा नेक्स्ट मेथड है लेज़र थेरेपी। इसके अंदर आपको हर थोड़े साल बाद अपने बालों में लेज़र करवाना पड़ेगा जिससे आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट किया जा सके, पर ये उतना रिलायबल मेथड नहीं है। हमारा नेक्स्ट मेथड है डर्मा रोलर। अब इस मेथड में आपकी स्कैल्प को थोड़ा पंचर किया जाता है जिससे कोलाजन इंक्रीज होता है जो आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विग्स, हेयर पैचेस। अब ये आपने इंडिया में सबसे ज़्यादा देखा होगा क्योंकि आज भी लोग मेडिकल ट्रीटमेंट लेने से ज़्यादा प्रेफर करते हैं कोई एक्सटर्नल टेम्प्रेरी सॉल्यूशंस, और ये उन एक्सटर्नल टेम्प्रेरी सॉल्यूशंस में से एक है। ये उतना नेचुरल नहीं लगता और सामने वाले को पता लग जाता है कि आपने विग लगा रखी है, विच इनडायरेक्टली शोज कि आप कितने लो हो सेल्फ कॉन्फिडेंस में। ओके, तो ये थे सारे सॉल्यूशंस जिनको आप यूज़ कर सकते हो अपने हेयर फॉल को ट्रीट करने के लिए। तो अब इन सब में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? कोई भी नहीं। मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप बॉल्ड हो जाओ, गंजे हो जाओ। हमारे टॉप जी एंड्रयू टेट खुद बॉल्ड हैं तो हम तो क्या ही चीज़ है। बस इसके अंदर आपको छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। फर्स्ट, आपको अपना लो बॉडी फैट रखना है जिससे आपका फेस जो है वो चिजल रहे। उसी के साथ साथ अगर आपको बियर्ड आती है तो मेक श्योर आप उसे ट्रिम एंड नीट रखें हमेशा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, एक कंप्लीट पैकेज हेयर लॉस के अराउंड। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको और कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ चाहिए, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय।